केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रायपुर के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई 3 के मंगल भवन में 3 दिवसीय हर घर पोषण त्योहार का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार रायपुर के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। वही जन समुदाय तक स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जन आंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6 प्रमुख थीम आधारित गतिविधियां एनीमिया वृद्धि निगरानी पूरक पोषण आहार पोषण भी पढ़ाई भी बेहतर प्रशासन पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी एवं समग्र पोषण के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में भिलाई 3 के मंगल भवन में हर घर पोषण त्यौहार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने शपथ भी दिलाई गई। साथ ही सांसद विजय बघेल ने पोषण आहार से संबंधित लोगों को विस्तृत जानकारी देने बच्चों के माध्यम से निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इसे लेकर सांसद विजय बघेल ने आयोजनकर्ताओं को जानकारी दी। केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं महिला बाल विकास संयुक्त में नगर निगम भिलाई चरौदा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय आहार माह का ये उद्देश्य भरा आयोजन यहाँ पे हम लोग आज उस आयोजन में आज शुभारम्भ अवसर में यहाँ उपस्थित है। 3 दिवसीय चलने वाली इस आयोजन में अनेक विषयों पर परिचर्चा यहाँ होगी और किस तरह के आहार हमें लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आज आहार में ध्यान देने के ना कारण और रासायनिक जो उपज हो रहे हैं उसके कारण भी अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं और हम विशेष रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को दीर्घायु रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ इस देश को भी एक स्वस्थ देश बने, भारत रोशन हो। हम पोषण में ध्यान दें तभी भारत रोशन होगा, इस उद्देश्य के को लेकर यह आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से आज जो बहुत सारी बीमारियों से घिरे हैं हमें इस कार्यक्रम का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है और मैं केंद्रीय संचार ब्यूरो महिला बाल विकास और नगर निगम और सभी जनप्रतिनिधि जो उपस्थित हैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ के हम लोगों को संदेश देते हैं, हमें हमसे उनको प्रेरणा मिलती है और लोग इसमें जागरूक भी होंगे ताकि जिस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, इसीलिए तो हमेशा कहते हैं योग करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, स्वच्छता अभियान में आप जुड़ें, आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से संतुलित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और साथ ही साथ इस तरह के जो आयोजन होते हैं राष्ट्रीय आयोजन उसमें हमेशा भाग लें और लोगों को प्रेरणा दें। हम लोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। भैया अभी आप देख रहे हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा भिलाई 3 चरौदा नगर निगम के मंगल भवन में आज एक भव्य मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमान विजय बघेल एवं लोकप्रिय विधायक श्रीमान डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि चूंकि हम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं तो पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हम जन जन तक, विशेषकर जो टारगेट ऑडियंस है हमारी युवा लड़कियाँ एवं महिलाएँ,
गर्भवती माताएं इन तक हम पहुंचा सके पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारियां। तो इस आयोजन में हम चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं, प्लस इन तीन दिनों में हम विभिन्न प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच में करवा रहे हैं, जिनके द्वारा उन्हें जागरूकता प्राप्त हो एवं साथ में एक सहभागिता और पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। एसीएन न्यूज़ के लिए शरण खरी की रिपोर्ट।